लाइव न्यूज खबर तो पक्की है। कार में शंभु कुमार आप देख रहे हैं लाइव 24। मैं भी बुनाईचक के पास नौलखा मंदिर में हूं और यहां पर सनातनी धर्म के अनुसार और परंपरागत तरीके से आप देख सकते हैं बाबा को जब 21 कलश के साथ 21 कलश अपने सीने पर रख करके आज दुर्गा पूजा का आज प्रथम दिन हम इनसे बात करेंगे और ये शक्ति कहाँ से मिलती है, कैसे ये अपने आप को साहस जुटा पाते हैं, सारे मुद्दों पर बात करेंगे इनसे। बाबा हम पिछले बार भी आपसे मिले थे और इस बार भी आप हैं, कैसे ये होता है, कितना कहाँ से शक्ति मिलती है आपको? पिछले 28 साल से मैं लगातार माँ की साधना आराधना में आ रहा हूँ। नाम श्री श्री 108 बाबा नागेश्वर दास, उम्र 64 साल और ये शक्ति माँ की चरणों से मिलती है। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। और ये आप ये कम 10 दिन करेंगे ना, 10 दिन रहेंगे ना ऐसे लगातार 9 दिन माँ की साधना आराधना में। जब इस आसन में आते हैं आप, इससे पूर्व पहले आप क्या तैयारी करते हैं कि आपकी इतनी मतलब शारीरिक रूप से फिजिकल क्या तैयारी करते हैं आप? जितिया दिन से मैं अपना साधना आराधना में लग जाता हूँ और अनाज पानी को छोड़ना कोशिश करता हूँ। धीरे 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 सारा चीज को त्याग देते हैं पहले 2 दिन पहले और उसके बाद माँ की चरणों में चल जाता हूँ। पुत्र कपुत्र हो सकती है, माता को माता नहीं होती है। मैं माँ की गोद में हूँ, मुझे क्या बिगड़ने वाला है। इसी तरह बालक की तरह लगातार 9 दिन खेलते हुए रह जाता हूँ। बालक की तरह आपकी उम्र 64 साल मैंने रखता है, इसके बाद भी आपके जो चेहरा और शरीर देखने के बाद ताजगी दिखती है, आप 9 दिन निर्लजा रहेंगे, ये इस पर क्या कहेंगे आज के युवा पर जो सनातन धर्म से दूर होते जा रहे हैं? ये शक्ति तो माँ की चरणों से मिलती है, उम्र 64 की और शरीर हो गया बचपन की, एक बालक की तरह माँ की गोद में मैं खेलते रहता हूँ और निष्क्रिया कर्म से निर्जला रहता हूँ। शक्ति माँ की चरणों से मिलती है। बस लास्ट सवाल रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। अब जो है आज के दिन जैसे कलकत्ता में कई सारी घटनाएं हुई जो महिलाओं और लड़कियों पर जो हमेशा पुरुष लोग हत्या और जिस तरह से घटनाएं करते रहते हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे, उन कैसे जुड़े, कैसे अपने आप को परिवर्तन करें इस तरह की घटनाएँ कम हों? देखिए, जो गलती करते हैं उसे भी माँ अपना शक्ति से उसे भी सुखी और शांति दे और अपना उसका नेचर को बदल दे। देखिए, आज से शरदीय नवरात्र शुरू हो गया है। ये मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो सैकड़ों वर्ष पुरानी मंदिर है, यहाँ बाबा नागेश्वर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर अपने सीने पर 21 कलश स्थापित किए हुए हैं। इनको देखने के लिए, इनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, माता का प्रसाद के लिए बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ 9 दिन प्रसाद बढ़ते रहता है, आज पहला दिन है। आज ही से यहाँ भीड़ शुरू होना शुरू हो गया है, बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी आते हैं, बड़े बड़े मंत्रीगण भी आते हैं, उनके परिवार भी आते हैं, कुछ जजेज भी आते हैं जो हमेशा माता से कुछ न कुछ मन्नतें मांगते हैं। तो यहाँ वही भक्त आते हैं जिनको माता बुलाती है। देखिए, ये मनोकामना मंदिर, यहाँ जो भी भक्त आते हैं मन्नतें मांगते हैं और उसी प्रकार प्रचार होते होते यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आपने सुना बाबा को 21 कलश के साथ 28 साल से करते आ रहे हैं, उम्र 64 साल है और 64 साल के उम्र में भी इस ताजगी से 9 दिन तक निर्लजा बिना कुछ खाए पिए इस आसन में रहते हैं और लोगों को एक संदेश दे रहे हैं कि आप सनातन या आप धर्म से जुड़िए, आपकी जो है मानसिकता बदलेगी और लोग जो जिस तरह से अपराध जिस तरह घटनाएं बढ़ते हैं उस पर भी उन्होंने एक सुझाव दिया कि धर्म की ओर बढ़ें तो सभी तरह की समस्याएं जो है आपकी खत्म होगी, आपकी जितनी पारिवारिक कलह है सभी तरह की समस्या खत्म होगी। दुर्गा पाठ का आज प्रथम दिन है और दुर्गा पाठ के प्रथम दिन के साथ ही हम हर दिन का एक अपडेट दिखाएंगे पूरे पटना का, दुर्गा पंडाल के साथ साथ जहाँ जहाँ दुर्गा पूजा हो रही है सबकी जगह की जो अपडेट है, सभी सारी खबरों को हम आपको
खबर देते रहेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।